पर्पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आदाब दोस्तों, पलपल न्यूज के न्यूज रूम से इस वक्त मैं हूं नदीम अकरम और हमारे बाजू में जो शख्स बैठे हैं वो हैं हाफिज बुरहानुद्दीन साहब, जो नेशनल रोडमैप पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो काफ़ी गंभीर मुद्दे पर हम लोगों से बातचीत करने के लिए जुड़े हैं और मुद्दा ये है कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना रहा है, क्या वो देश के लिए खतरा हो सकता है? हाफिज साहब, देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग की गई है और ख़ास तरीके से जब से ये सरकार आई है। इस सरकार के आने से पहले ही ये तमाम प्रोग्राम बना दिए गए थे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेंडे फैला करके मुसलमानों को बदनाम किया जाए, इस्लामी मदारिस को बदनाम किया जाए और जो भी मुसलमानों के यानी पेचीदा मसाइल हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए, वो इसमें आज कामयाब हो चुके हैं। और हाफिज़ साहब, जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का डिबेट सामने आता है हम लोगों के और आपके, जिस तरीके से मौलानाओं को टारगेट करा जा रहा है, क्या मौलाना लोगों को वक्त के नज़ाकत को देखते हुए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, हमारे उलामा को ये चाहिए कि वो बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाएं, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात बड़े नाजुक हैं, बिलखसूस मुसलमानों के लिए, और जो भी कुछ हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही हो रहा है। मुसलमानों के अलावा किसी दूसरी कौम के ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसलिए हमारे उलामा को ये चाहिए कि हम डिबेट में जाने से पहले या तो मुकम्मल तरीके से तैयारी के साथ जाएँ, और अगर तैयारी नहीं की तो बिल्कुल उससे परहेज़ करें, वहाँ ना जाना बेहतर समझें। ये ना कहें, ये ना सोचें कि हम टीवी चैनल पे आ जाएं, कैमरे के सामने आ जाएं, हम फेमस हो जाएंगे। फेमस नहीं हो रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्योंकि मसाइल दरपेश होते हैं, सवालात सामने आते हैं, वो सही तरीके से मुतमईन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो इससे परहेज़ करें, और इस वक्त में तो मैं कहूँगा कि 100 के 100% अगर परहेज़ कर लें तो हालात बहुत कुछ तब्दील हो सकते हैं, मुसलमानों के फेवर में जा सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाता है, तो आप क्या अपील जो है चैनल डिबेट में बैठने वाले मौलानाओं से करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा यही मशवरा है उनसे कि वो अपने ऊपर कंट्रोल करें। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार है, मेरे अपने आप को चमकाने से मुझे यानी चमक नहीं मिलेगी, इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इज़्ज़त जब देता है अल्लाह देता है, ज़िल्लत देता है तो भी अल्लाह ही देता है, लेकिन वो ज़िल्लत हमारे अपने कारनामों की वजह से होती है। हम जो ज़लील व ख़ार आज हो रहे हैं वो हमारे अपने कारनामे ऐसे हो गए हैं, अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाए। तो मेरा यही कहना है कि उलामा इससे परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जिस तरीके से मौलाना नदवी ने बयान दिया और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे मोड़ तरोड़ करके पेश करा, क्या उससे मेन स्ट्रीम मीडिया क्या मुसलमानों को आपस में लड़ाने में कामयाब हुई है? देखिए, हमेशा मीडिया कामयाब होती है मुसलमानों के ख़िलाफ़। जब कोई प्रोपेगेंडा होता है या कोई इस तरह की स्टेटमेंट आती है, वो उसको बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है तो लोगों को गुमराह किया जाता है। सच्चाई क्या है उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है और उसको इस अंदाज़ से पेश किया जाता है कि मुसलमान हैं ही ऐसे, जबकि मुसलमानों की तरफ से कोई बात ही नहीं हो रही। मुसलमान ने जितना 4 साल सब्र किया है, ये हिंदुस्तान की 70 साल तारीख उठा करके देख लीजिए, इतना सब्र कभी मुसलमान ने नहीं किया। ये हिकमत अमली मुसलमान ने अपनाई है, इख्तियार की है, और अल्लाह ने उसे सब्र का मादा भी दिया है। इससे ज़्यादा भी अगर तकलीफ़ दी जाएगी मुसलमान को तो वो भी बर्दाश्त करेगा। तो हमें चाहिए अपने ऊपर कंट्रोल करें, और मीडिया का काम है कि वो तो जब तक उसे इस तरह के सवालात नहीं मिलेंगे तो वो मौके से फ़ायदा नहीं उठाएगी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, आप और हम उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, जब उन्होंने एक बार एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अगर भारत पर राज करना है तो मुसलमानों को आपस में उनके फिरके में लड़ा दो, क्या उसमें ये लोग कामयाब होते हुए दिख रहे हैं? जिस तरीके का बयान और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक आतंकी संगठन तक घोषित कर दिया गया बीजेपी द्वारा,
देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, मैं समझता हूँ वो, मुझे ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए क्योंकि मीडिया मुझे पकड़ लेगी और इस तरह के सवालात मुझसे करने शुरू कर दिए जाएंगे कि मैं यानी जवाब देने से भी बचने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी जो बात मेरी ज़ुबान पे आती है मैं रोकता नहीं कह देता हूं। मुझे लगता है सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं इस वक्त उनका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका है, वो इसी तरह के सवालात निकाल करके लाते हैं। मुसलमान कब बटा है? मुसलमान एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाला है, मुसलमान मुसलमान है। रहा मसला फ़िरकों का, कोई फ़िरका नहीं, मुसलमानों का एक फ़िरका है। और अगर ये इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि मुसलमानों को फ़िरकों में बांट दो, मुसलमान कभी ना बटा ना बटे और ना आगे, ना आज बटा है ना आगे बटेगा इंशाल्लाह, मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। मुसलमान वक्त की नज़ाकत को महसूस कर रहा है, हिकमत से काम ले रहा है, न मालूम क्या क्या खुराफात मुसलमानों के खिलाफ की जा रही हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो करते रहें, हम इंशाल्लाह एक रहेंगे, एक हैं। एक आज की ही रिपोर्ट है, जिस तरीके से एंकर रोहित सरदाना हैं, उनका दंगल एपिसोड आता है आज तक पर, और वो इस तरीके से पीएनपी घोटाले पे बात करने के बजाय वो चला रहे हैं कि कश्मीर के मुसलमान आखिर कब तक पत्थर फेंकेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेन मुद्दा है, क्या मेन मुद्दे से मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भटकाने में कामयाब होते हैं? देखिए मीडिया तो बहुत अच्छा रोल जाहिर कर रहा है इस मामले में। उनकी ज़ुबान पे सिर्फ लफ्ज़ मुस्लिम होना चाहिए। सुबह जब सो के उठते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसकी वजह से हम पूरा दिन खींच लें, पूरी रात खींच लें, अगला दिन हो फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई पॉइंट मिल जाए, फिर हमें अगला दिन खींचने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि आज मीडिया के पास भी कोई ऐसी ख़बर नहीं है कि जो यानी काबिल एतबार समझी जाए, तो मीडिया ख़ुद खाली है, ख़बरों से खाली है। रहा मुसलमानों का मसला, मुसलमानों को इस वक्त कितना ज़लील ख़ार किया जा रहा है, कितना उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये दुनिया देख रही है, सच्चाई वो भी जानते हैं। आज ही एक रिपोर्ट निकल कर के सामने आई है कि मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब जो हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नाराज़ हो गए हैं। सिर्फ मसला ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनसे बिना पूछे, बिना सलाह मशवरा करे उनका नाम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्यता में डाल दिया। क्या इस पर उनका नाराज़ होना जायज़ है या नहीं? देखिए पहली बात तो यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता कौन है किसी का नाम डालने वाला। अगरचे महा कमेटी के अंदर ये तय पाया भी गया है कि भाई फलां फलां आदमी को डाल लिया जाए, तो उनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको यानी बाई फोन या तो फ़ोन कॉल करके उनसे बातचीत करनी चाहिए या फिर उनको लेटर भेज करके उनको ख़बर देनी चाहिए कि भाई हम आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर तस्लीम करते हैं, आपका इंतखाब किया गया है, लिहाजा आप तशरीफ़ लाएं। तो इस तरीके से जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या किसी भी कमेटी या संस्था की तरफ से किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, तो ये वजह है कि वो जो एतराज़ कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई भी संस्था और तंजीम हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे हाफिज़ बुरहानुद्दीन साहब, जिन्होंने कई गंभीर मुद्दे पर हमसे बात करी और ये बताया कि किस तरीके से एक मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ एंकर लोग पूरी तरीके से माहौल बना रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों से कैसे बचा जाए, इस पर हमसे हाफिज़ साहब ने बात करी और उसके बारे में काफ़ी अपनी राय रखी। तो हाफिज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया पलपल न्यूज़ से बात करने। शुक्रिया।